राम खिलाड़ी वर्मा जी, आज बस्ती में खाने के पैकेट बांटे, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? तो सर बहुत ज्यादा खराब है और लोग बाग बहुत परेशान है, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं बन रही है। खास करके जो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, उनकी व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही है किसी प्रकार से। तो हम लोगों ने बस अपना एक ग्रुप बना के वो कोशिश कर रहे हैं कि हम जो 21 दिन का जो लॉकडाउन है, इसमें हम जो हमें जो मदद बनेगी उस प्रकार से हम आगे भी करते रहेंगे। रोजगार कार्यक्रम रखा है हमने, जो भी व्यवस्था बनेंगी उस प्रकार से हम करेंगे। यहाँ पे मनोज अग्रवाल जी हैं और इनके जो भी स्वयं सेवी संस्था है, इनके द्वारा जो भी ऐसे लोग हैं जिन्हें भोजन की आवश्यकता है, उनको इनके माध्यम से, इनकी जो संस्था है उसके माध्यम से लोगों को भोजन वितरित किया जा रहा है। बहुत ही पुनित कार्य है, क्योंकि इस वक्त जिन लोगों को वास्तव में आवश्यकता है उन्हें उनका सहारा दिया जाना चाहिए। और मेरा लोगों से भी आग्रह है कि लोग भीड़ बना के या बाहर घरों से न निकले, जिससे कि एक दूसरे के संपर्क में न आए और जिससे कि जो महामारी है, जो वायरस है, न फैल सके। आम जनता के लिए यही संदेश है कि जो लॉकडाउन है उसको पूरी तरीके से पालन करें, अगर अनावश्यक रूप से कोई भी घर से बाहर न निकले और जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी पूरी की पूरी यहाँ पर उपलब्धता है, उनको घरों तक पब्लिक को हम पहुंचा रहे हैं। तो कोई भी जनता को किसी भी स्थिति में उन्हें बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने घरों में रहें, अपने आप को लॉकडाउन रखें। जितने अच्छी तरीके से अपने आप को हम लॉकडाउन करेंगे उतनी जल्दी इस महामारी पर हम नियंत्रण कर पाएंगे। मनोज अग्रवाल, हिंदू कल्याण महासभा से समाज सेवी। अग्रवाल जी, लॉकडाउन के समय काफी परेशानी हो रही है, लोगों को खाना मिल रहा है, राशन मिल रहा है, किस तरह से आप समाज सेवा में लगे हुए हैं लोगों को इस समय, जो लोगों को काफी परेशानी का सामना है? आज जो ये संकट पूरे संसार का संकट है, हर देश के अंदर है। आज हम लोग भारत देश के अंदर आगरा के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियां हैं वहां पे भी अनाज खत्म हो चुका है। वो 55% जनता ऐसी होती है जो रोज कमाती है, रोज खाती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, शासन प्रशासन ने जो लॉकडाउन किया है वो उनकी जीवन के लिए ही किया है कि वो कैसे भी उनका जीवन बचा रहे और भारत देश के अंदर ये खतरनाक वायरस ना फैले। पर हमारे भारत देश की एक दुर्दशा है कि इनके पास खाने का जो पर्याप्त मात्रा में साधन है वो नहीं है। आज हम लोग झुग्गी झोंपड़ी में निकले हैं, सड़कों पर बांटने वाले जो सरकारी तंत्र है, जिनको हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, वो केवल मेन रोडों पर, मेन मार्गों पर खड़े होकर सामान का वितरण कर रहे हैं, वो बस्ती तक नहीं जा पा रहे हैं, जिससे जो बस्ती वाले हैं वो वाकई में बिल्कुल भूखे हैं और 2-3 दिन से उनके खाने के लिए कुछ भी सामग्री नहीं मिली है। आज हम लोगों ने रोज का, जब तक ये लॉकडाउन है, 1000 खाने के पैकेट बना के इन बस्तियों में वितरण करेंगे और 3 फुट दूरी को उनको समझाएंगे कि कोरोना वायरस कैसे बचा जा सके, निर्देशों को फॉलो करें।